जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आपको मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद तो अब गुज़र चुकी है जब ये व्लॉग अपलोड हो रहा है, लेकिन चले गुज़री हुई ईद ही सही। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। इस दफ़ा जी ईद बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरी। एक तो ईद जो है वो अचानक से और इतनी लेट अनाउंस हुई, जिसकी वजह से कोई भी काम जो हमारा ख़त्म नहीं हुआ हुआ था और सारी प्लानिंग जो उधर की उधर रह गई। अबू मेरे इतकाफ़ बैठे हुए थे, हम लोगों ने प्लान किया था कि चांद रात को जाएंगे और ईद जो है वो लेट अनाउंस हुई। फिर वो खुद ही जो है वो भाई जाके सिर्फ अबू को ले आया, फिर हम लोग ईद वाले दिन गए उनको मिलने, फिर उधर काफ़ी देर इंजॉय किया, वहाँ से फिर खाला के घर चले गए। इस तरह मिलते मिलाते और फिर जब घर आए तो इतनी ज़्यादा थकावट थी, क्योंकि रमज़ान की भी थकावट थी, चांद रात को भी नहीं सोए, ईद वाले दिन भी घूमते रहे, तो घर आते ही हम लोग जो है वो सो गए फिर। और सेकंड डे भी इसी तरह बस बिजली गुजरा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो अब आज शाम है ईद की, तो मैंने सोचा कि चलें जहाँ पर खाना बनाया तो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने बनाए हैं कोफ्ते और अंडे, और अम्मी के घर आज दावत थी अबू के कुछ दोस्तों की, तो उन्होंने बनाया हुआ था सब कुछ, चिकन साथ में दाल मीठे चावल। तो मैंने बोला कि चिकन वगैरह से तो दिल काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है तो वो मत भेजिएगा, मैंने कोफ्ते बनाए हुए हैं तो मुझे थोड़ी सी माश की दाल और मीठे चावल जो है वो भेज दें, ताकि मैं जो वो चख लूँ। मीठे चावल तो मुझे बहुत पसंद हैं जो अम्मी बनाती हैं, और माश की दाल वैसे ही दाल खाने को मूड हो रहा था, तो ये दोनों चीज़ें मेरी अम्मी के घर से आई थी, वो भी मैंने साथ रख ली हैं। और ईद का फर्स्ट डे भी बस इसी तरह सिंपल सा ही खाना बना था, ट्राइफल बनाई थी, साथ में वाइट कोरमा था, क्योंकि रमज़ान के फौरन बाद इतना खाने पीने को दिल नहीं करता। तो आज सेकंड डे है तो आज मैंने रखा था कोफ्ते और अंडे का मेन्यू, बिरयानी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट दिन तक बनाएंगे। तो ये है मेरी सेकेंड डे की लुक, मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ी शेयर कर दूँ। और जी, उसके बाद स्टार्ट हो गया है ईद का तीसरा दिन, और ईद के तीसरे दिन हम आए हैं सिस्टर के घर। तो यहाँ पर आप हैरान हो रहे होंगे कि आहत तो अभी इतना छोटा है तो हैप्पी बर्थडे। हाँ जी जी, आहत जो है वो 3 मंथ्स का हो गया, तो हम लोग आहत की 3 मंथ्स की सेलिब्रेशन करने लगे हैं। तो आहत ईद वाले दिन ही जो है वो 3 मंथ्स का हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें आप सिस्टर के जा रहे हैं तो साथ में केक वगैरह ले कर जाते हैं और चल के आहत की सेलिब्रेशन करते हैं। मौके जो है वो ख़ुद से बनाने पड़ते हैं खुशियां बांटने के और आपस में मिलजुल के बैठने के। और आहत वैसे ही हमारे घर का छोटा पहला बच्चा है, तो उसकी जो है वो हम लोग हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इधर आहत का पापा, आहत और उसकी मामा जो है वो केक काटेंगे आहत का। आहत को कंट्रोल करना जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, तो यहाँ पर अब मैं सबको जो है वो केक डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, साथ में एक चाय पियेंगे। खाना हम लोग ऑलरेडी जो है वो खा चुके हैं, आज तकरीबन हम लोग 1:30-2 बजे जो है वो सिस्टर के घर आए थे, तो उसने आगे जो है वो मटन बनाया हुआ था वो हम लोगों ने खा लिया है, साथ में शामी कबाब थे। तो अब हम लोगों ने सोचा कि केक थोड़ा ठहर के काटेंगे, अब केक काटेंगे और केक काटने के बाद हम लोग जाएँगे घूमने। बस हमारे प्लान इसी तरह अचानक 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 बनते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए थे तो हमने कहा चलें कुछ देर के लिए दरिया पे जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की ईद है, कहीं बाहर तो आना जाना नहीं हुआ, जस्ट अपनी फैमिलीज़ में रिलेटिव्स के घर ही थोड़ी थोड़ी देर जो हम लोग गए हैं, तो दूर दराज नहीं जा सकते, तो यहाँ पर दरिया है तो दरिया पर चलते हैं। और आपने ये दरिया तो मेरे व्लॉग में काफ़ी दफ़ा देखा है, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली दरिया पे जाना पसंद है। तो जी, काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद हम लोग दरिया पे आते हैं। काफ़ी ज़्यादा सफ़र इसलिए कि बहुत ही गंदा रास्ता था और मैं पूरे रास्ते चीखते चीखते आई हूँ, क्योंकि दरिया के बहुत दूर जो है वो रिक्शे वाला उतारता है, और आगे जो है वो कीचड़ था, दलदल थी, और एक तरफ इतना इतना पानी था, तो पानी से गुजरने से बेहतर समझा कि कीचड़ से गुजरें। और उधर भी हम लोग बड़ी ही मुश्किल से पहुंचे, मैं कहती हूँ कि बल्कि ज़्यादा हम लोगों ने ख़राब काम किया, जाते हुए हम लोग वापसी पर जो है वो दरिया से ही गुजर के जाएँगे, लेट सी। तो अब दरिया में मैं पहुँच चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर फेंकूँगी कुछ पत्थर, और मुझे दरिया पर आना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें जी, करते हैं अब इंजॉय।
काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा मैं अंदर जा नहीं जा रही क्योंकि नीचे जो वो पत्थर है और पत्थरों की वजह से जो है वो पाँव जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लिप करता है। और दूसरी वजह ये है कि आज अगेन हम लोग दरिया पे आए हैं और अगेन मेरा जूता जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हम लोग प्लान करके जो वो यहाँ पर नहीं आते, जब भी सिस्टर के घर आते हैं वैसे ही हमारा जो वो प्लान बन जाता है और अचानक से हम लोग आ जाते हैं और फिर जूतों समेत ही हम लोग जो हम वो दरिया के अंदर घुसे हुए हैं। जूते उतारने की कोशिश भी की है लेकिन तब भी जो है वो पत्थर जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे से जो है वो पाँव में चुभते हैं तो जिसकी वजह से चलना मुश्किल होता है। इस जगह पे मिड में जो है वो पानी का फ्लो जो काफ़ी ज़्यादा है, ये स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक जाने का मेरा मन था लेकिन फिर मैं नहीं गई क्योंकि पानी से डर लगता है और बस हम लोग थोड़ा थोड़ा ही अंदर गए थे, ज़्यादा अंदर नहीं गए। यहाँ पर ये छोटी रबीहा जो है इसने तो बहुत खूब सारा इंजॉय किया। पहले तो जब ये आई तो कीचड़ में फंसी तो ये डर गई, इसने बोला कि मुझे घर जाना है। फिर जब इसने यहाँ पे इंजॉय किया तो वापसी पे ये कह रही थी कि मैंने तो घर जाना ही नहीं है। वो बच्चे इसी तरह वो भी जिद लगा के खड़ी हो गई थी कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रही, अभी मुझे और खेलना है। तो हम लोग आए थे थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए, मेरे ख्याल से कि हम लोग ने 20-25 मिनट यहाँ स्टे किया था। इधर जी हमारा पानी में पत्थर फेंकने का मुकाबला शुरू होते होते किया। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले इन छोटे की जो है वो फ़ोटो सेशन कर ली जाए, बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। तो ये इसको यहाँ पर हमने पत्थर पे बिठाया और वो खूब सारा जो है वो इंजॉय कर रही है। तो जब इनकी फ़ोटो सेशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जो है वो पत्थर फेंकने वाला काम जो वो कंटिन्यू किया। मुझे जो है वो दरिया में पत्थर फेंकना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। छोटी भी थी वो भी पत्थर फेंक रही थी और मेरी कोशिश ये थी कि हम लोग ये जो मिड में जहाँ पर पानी जो है वो बुलबुलों की तरह उठता है कि इस जगह पर मैं पत्थर फेंक सकूँ, और मैं फेंक भी लिया था लेकिन थोड़ा सा बाहर चला गया था।
देखें यहाँ पर कितने खूबसूरत खूबसूरत पत्थर है। मैं जो भी पत्थर उठाती हूँ वो इसी कलर का होता है, और दरिया में वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो हैं वो पत्थर हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हर किस्म के पत्थर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस जगह पे जो दरिया का पानी है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गहरा नहीं है, बस नॉर्मल यहाँ है। वो जो सही गहरा वाला दरिया है वहाँ पर हम लोग नहीं जाते, नहीं इधर आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे करके और उसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर बंदा आता है जाता है और थोड़ा सा इंजॉय करता है और फिर घर चला जाता है, तो इसका अपना ही मज़ा है। और जी अब हम लोगों ने कर लिया वापसी, और ये जो दरिया है जो इसके रास्ते में था अब हम इसको क्रॉस करके आए हैं, और इसका पानी तकरीबन मेरे यहाँ घुटनों से थोड़ा थोड़ा नीचे था। यहाँ तक हम लोग जो थे बिल्कुल डिप थे, और मैं काफ़ी ज़्यादा चीखें मारती हूँ डर डर के इसमें से घुस रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे पाँव डिप होते जा रहे थे पानी जो गहराई में जाता जा रहा था उतना ही डर ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अम्मी मेरी पहले गुजर गई थी और मैं और खाला पीछे आ रहे थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और ये देखें जी ट्रक भी यहाँ पर मिट्टी लेकर जो है वो दरिया से ही गुजर के आ रहा है। तो जी अब बस वापसी करते हैं घर की तरफ। और जी वीडियो का एंड करने से पहले मैं यहाँ पर ओपन करने लगी हूँ गिफ्ट, जो कि ईद मुबारक का आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब इसको भी जल्दी से जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें से क्या निकलता है। फ़िलहाल इसकी जो पैकिंग है वो बहुत ही प्यारी हुई हुई है, लकड़ी का टेक्सचर है इसका और बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत लग रहा है, इसको बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि बंदा ओपन करे। तो जी इसको ओपन करते साथ इसमें सबसे पहले हैं जी क्रंची मिक्स नट हैं, और साथ में दो अतर हैं, एक ऊद है और एक दूसरी पता नहीं कौन सी है, मुझे याद नहीं है। अभी मैं दोनों को ओपन करती हूँ, दोनों की खुशबू चेक करते हैं। तो जी ये दोनों अतर जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक जो है वो ओमान की है और एक जो है वो यूएई की है, और ये जो क्रंची नट मिक्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा यमी होंगे, क्योंकि ये भी बाहर की मेड है, पाकिस्तानी मेड नहीं है, तो ये भी मज़े के होंगे। लेकिन अभी मैंने इनको टेस्ट नहीं किया, जब मैं टेस्ट करूँगी तो तब पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो पूरा गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। ये इसका आउटर टेक्सचर है जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत ही बेहतरीन है। एक बुक की शेप इसको दी गई है और लकड़ी का जो है वो इसको टेक्सचर देने की कोशिश की गई है, कलर वगैरह, और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। और जी इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त, जाते जाते बस इतना ही, अपना अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।